गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं पीछे जॉन्डियर W70 खड़ा है, दिख रहा है ये वाला ग्रीन ग्रीन। तो आज हम उसका ना क्लच मास्टर सिलेंडर खोलने वाले, क्योंकि उसकी जो ऑयल सील होती है उसके अंदर की, वो है ना उसके अंदर कट लग गया और वो है ना ठीक से ना क्लच प्रेस ही नहीं हो रहा, मतलब एक जगह पर ही खड़ा है मशीन। चलो आपको दिखाते कि मास्टर क्लच सिलेंडर क्या होता है। तो चलो अभी मास्टर जी के साथ में और इंजीनियर साहब के साथ में इसका क्लच मास्टर खोल देंगे, ठीक है? चलो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो ये वाला जो होता है ये है क्लच मास्टर, ठीक है? जब हम प्रेस करते हैं तो ये पूरा, जब ये प्रेस करते हैं तो ये पूरा अंदर जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा ठीक से। देख सकते हैं आप, ये उसकी ऑयल की पाइपलाइन से अभी हम उसको डिसअसेंबल करेंगे। तो आपको मिलते हैं डायरेक्टली डिसमेंटल करते हुए समय। अरे अभी पिन कैसा खोलना? तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने कड़ी मशक्कत के बाद में क्लच मास्टर सिलेंडर खोल दिया, और ये क्लच मास्टर सिलेंडर नल्ले खोलना पड़ता है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमने जॉन डियर W70 का मास्टर सिलेंडर, क्लच मास्टर सिलेंडर खोल लिया। अब इसको हमें अच्छी तरीके से साफ करना है, ठीक है? अभी जैसे मैंने इसका ये वॉल खोला तो ये देखो इसमें से कैसे ऑयल आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। अब इसको मैं वापस से लगवा देता हूँ। अभी हम इसकी जो ऑयल सील है, ठीक है, इसकी जो ऑयल सील है, अभी हम इसको जब प्रिपेयर करने जाएंगे तब ऑयल सील नहीं डालेंगे। अभी देखते हैं ऑयल सील का ही मसला है या फिर दूसरा कुछ है, तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑयल नीचे आ रहा है, हाथ भी काले हो गए, होलिया तो ख़राब हो ही गया। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे पेडल होता है और ये यहाँ से ऐसे ऑपरेट होता है। टेंशन तो फुल टाइट है। तो जैसे कि आपने देख लिया, ये इनलेट और ये आउटलेट है इस क्लच मास्टर सिलेंडर का। अब इसको तो हमने ये उसके माउंटिंग, यहाँ पे दो बोल्ट्स बैठते हैं, आपको पता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दो माउंटिंग और ये एक पिन, इसके अंदर पेडल का एक आई माउंट होता है और फिर ये इसे ऑपरेट करता है, ठीक है? अब आपने ये देख लिया क्लच मास्टर सिलेंडर कैसा होता है, एक बार नज़दीक से देख लीजिए। और बाय द वे, कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले मेरा टी शर्ट अलग था और अब कुछ अलग है, तो भाइयों वो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, ऑयल में ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी देखभाल करना पड़ता है। कपड़े की भी तो कह रहा, अपन ने रखेंगे तो कौन रखेगा? अभी लोग ही तो है नहीं तब तक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर करें। AS ब्लॉग्स लाइफस्टाइल।